मैं नीतीश जी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो 1200 करोड़ का पुल गिरा है भ्रष्टाचार में, महागठबंधन के सभी नेताओं को ग्राउंड जीरो पर जाके दिखाएं कि मेरा सुशासन कैसा है। अच्छा, पीडीए का अगर ये एब्रिविएशन है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि इसमें जी और जोड़ दें, आप समझे, जनरल और जोड़ दें। जनरल से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? तो वो सवर्ण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक करके 140 करोड़ के नेता बन जाएं और 542 सीटों को जीत लें। मान दिया, उनको बधाई देना चाहूँगा। और गीता प्रेस भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत को अक्षुण रखने का साहित्य प्रकाशित करती है। नो प्रॉफिट नो लॉस पर वो काम करते हैं। और जब इस देश में जेम्स हेडली चेज, आर्थर कॉनन डाइल पढ़े जा रहे हैं, मिक्की माउस और जेरी और वो टॉम एंड जेरी बच्चों को याद हैं, हैरी पॉटर बच्चों का आदर्श है, ऐसे में गीता प्रेस गोरखपुर का साहित्य भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म को बचाने का काम कर रहा है। मदरसों में तालीम भी होगी और योग भी होगा। मदरसे हिंदुस्तान के संविधान से बाहर नहीं है और ये मैंडेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी है। ऐसा करके अपनी जात जमात के बच्चों को खूब पंडूप रखना चाहते हैं। मदरसे की तालीम का सिलेबस थोड़ा बदलें। मैं बहुत साहित्य में रुचि रखने वाला छात्र हूँ, उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ेंगे मदरसे में, अच्छी बात है, एक दिन पेश इमाम बनेंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा लेंगे तो APJ अब्दुल कलाम बनेंगे।